નમસ્કાર દોસ્તો, હું આપનો મિત્ર ફિલસૂફ દિનેશ કણેત આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આપના પોતાના સહિયારા પ્લેટફોર્મ કણેત ગાઈડન્સ પર। દોસ્તો, જે છે વર્તમાનમાં જ્યારે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 212 અને જે છે એક કમ્બાઇન્ડ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ મતલબ કે સીસીઈનું જે છે એ પ્રિલિમ પરીક્ષાનું જે છે રિઝલ્ટ જાહેર થયું છે, એવા સમયે जेवी रीते यूपीएससी नी पेटर्न रही है कि भाई ज्यारे कोई व्यक्ति यूपीएससी नी मुख्य परीक्षा आपवा जाए त्यारे एमणे अलग अलग प्रकार की केडर पसंद करवानी होय। सेम एज रीते जे छे ए गौण सेवा पसंदगी मंडळे पण जे छे ए प्रिलिम्स अने मेन्स आ बे फॉर्म में जे छे ए भर्ती नी आखी पद्धतिनुं आयोजन कर्युं छे। एवा समये ज्यारे आप लोको प्रिलिम परीक्षा में क्वॉलिफाई थया होय अने ज्यारे मेन्स परीक्षानुं फॉर्म भरता होय एवा समये जे छे ए आपे अलग अलग जॉबनो जे छे ए प्रेफरन्स आपवो पड़े। आम तो यूट्यूब में घणा बधा विडियोज बन्या है, दरेक विडियो में जे छे दरेक फेकल्टी है, दरेक संस्था है, ए डेफिनेटली आपने सारूं मार्गदर्शन आप्युं छे। आपने एमांथी कंईक ने कंईक जे छे ए आपनी जे कोईपण प्रकारनी जे रैंक आपवानो छे आपणी जॉबनो आपणा डिपार्टमेंटनो एमां क्यांक ने क्यांक उपयोगिता सहाय थई हशे। परंतु आजनो लेक्चर जे छे ए हूँ तमने जॉब प्रेफरन्स आपू एनी पहेला ज्यां सुधी मारू नॉलेज सरकार साथे रह्युं छे दोस्तों एना माटे थई अने हूँ तमने प्रेफरन्स मैं जे छे ए मारा पेज में लख्या ज छे कि भाई हूँ तमने ग्रुप ए ना भी प्रेफरन्स आपू छूं अने ग्रुप बी ना पण प्रेफरन्स आपू छूं। पण पहेला ए वस्तु विचारो दोस्तों, आ जे छे ए जमवानी वस्तु नथी कि एक समय में आपणे जमी लईए अने बधुं ज फिनिश थई शके। आ तमारी प्रिलिम परीक्षा नथी कि तमे मैथ्स, रीजनिंग, गुजराती, इंग्लिश जे छे ए कंटिन्यू वाँची लो अने एना आधारे आप पास थई जाओ। अहींया तमारे जे छे ए वाँचवानी साथे साथे तमारा एज्युकेशननी साथे साथे तमारी सरकार साथेनी समझ शक्ति जे छे ए केटली महत्वनी छे ए अहींया खूब ज उपयोगिता आपने साबित थशे। मतलब आना माटे छे तमारे थोड़ोक दीर्घ दृष्टिकोण वापरवो पड़शे, एक आगळनुं विजन लईने चालवुं पड़शे। तो हवे तमने प्रश्न थाय के सर अमारे केवी रीते पसंद करवुं। आ पसंदगी करवा माटे थई दोस्तों आम जोवा जाए तो आने मैं 3 पेरामीटर्स में वहेंची दीधा छे। पहेली बाबत के भाई जे छे ए आपे ज्यारे तमे सीसी ग्रुप ए अथवा ग्रुप बी एवा भी घणा केन्डिडेट छे कि जे बंने ग्रुप में पास थया छे, एमणे शुं पेरामीटर्स राखवा, एमने पसंदगी करवा माटेना मापदंड कया राखवा। तो पहलो मापदंड राखो दोस्तों कि पहला तमे ए विचारी लेजो कि आपे सीसीई नी ग्रुप ए अथवा तो ग्रुप बी नी परीक्षा पास थया बाद शू आगळ कंटीन्यू प्रिपरेशन करवानी थाय छे, शू कंटीन्यू आपे जीपीएससी नी प्रिपरेशन करवी छे। एक आ बाबत विचारजो जेथी करीने तमारे एवो डिपार्टमेंट पसंद कराय कि ज्यां थोड़ो आपने समय मळी रहे। डिपार्टमेंट दरेके दरेक सारा ज छे, दरेके दरेक सरकारश्रीनी कामगीरी बहुत पारदर्शकवाळी थाय छे, पण जो आपने जे छे कोई एवो डिपार्टमेंट पसंद थई गयो कि जेमां कामगीरीनो जे छे भारण बहु वधारे होय तो आगळ जता जे छे आप जीपीएससी नी अथवा तो अन्य जे उच्च कक्षानी जे जग्याओ छे एना माटे आप तैयारीमां जे छे ए पूर्ण न्याय आपी शको। बीजी बाबत दोस्तों पेरामीटर्स में राख्यो छे आपनु जॉबनु लोकेशन। घणा मित्रों जे छे एवा होय अने अमुक जे छे ए महिला जे छे ए पण एवा होई शके कि जे बेन उमेदवार छे, महिला उमेदवार छे जेमना मेरेज थई गया होय अने मेरेज पछी जे छे प्रिपरेशन करता होय अने प्रिलिम परीक्षा पास थया होय, एमना मगजमां एक प्रश्न सर मेरेज थई गया छे, मेरेज थया छे ए भरूचमां थया अने कदाच मने पोस्टिंग जे छे ए गांधीनगरमां मळी ज रहेशे, तो पतिदेव जे छे ए तो कोई प्राइवेट जॉब करे छे, प्राइवेट धंधो करे छे, एनो जे छे भरूचथी गांधीनगर आववानी कोई शक्यता रहती नथी, तो हूँ शू करूँ। तो आवा उम्मीदवारों कोई महिला उम्मीदवार अथवा तो अन्य कोई उम्मीदवार के जेने एक ज जग्याए पोस्टिंग जोईए छे, मतलब बे आर रिक्रूटमेंट अने रिटायरमेंट कोई एक ज शहर में थाय तो तमने बहुत मजा आई जाए, नो ट्रांसफरेबल पोस्ट थी जाए। तो बीजी बाबत तमारे पेरामीटर्स तरीके ए विचारवानी छे कि तमारे कोई ट्रांसफर थई शके एक जिल्लामांथी बीजा जिल्लामां एवी पोस्ट जोईए छे कि एक जग्याए स्थायी पोस्ट जोईए छे। त्रीजो अने सौथी अगत्यनो पेरामीटर्स, कारण के दोस्तों ग्रुप ए छे ए ग्रुप ए में 40,000 वाली बी नौकरी है, ग्रुप ए में 26,000 वाली बी नौकरी है ना। आपे जोयुं हशे दोस्तों कि जे रेवन्यू डिपार्टमेंट है आ रेवन्यू डिपार्टमेंट में जे कलेक्टर कचेरीनी अंडर में जे आवता डिपार्टमेंटो मतलब कलेक्टरनी अंडर में जे बधी ब्रांचो है आ कलेक्टर ऑफिसना क्लार्क केवा छे, अथवा तो आपे जोयुं हशे दोस्तों ऑफिस आसिस्टंट, सचिवालयना क्लार्क, आ बी ग्रुप ए नी ज पार्ट है, एनो पगार तो 26,000 है। एनी जामे बाकीना जे ओएस है, ऑफिस सुप्रिन्टेन्डन्ट है, कचेरी अधीक्षक है મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી છે। આ બધા સુપર ક્લાસ 3 લેવલની પોસ્ટ છે, તો એનો પગાર જે છે આનાથી ઓલમોસ્ટ બમણો જેવો થઈ જાય છે। तो तीजी वस्तु याद रखनी कि अपनी नाणाकीय परिस्थिति केवी है, मतलब कि आप गवर्मेंट में आओ छो तो ये गवर्मेंट में आओ छो तो त्या आपणे मेन पर्पस शू नाणाकीय जरूरियात संतोषवानो छे कि आपणे जे छे सारी पोस्ट लई अने आगळ जाता जे छे एमां कंईक डेवलपमेंट करवानो विचार छे। तो आशा राखुं छुं दोस्तों कि आ त्रण पेरामीटर्सथी जे छे ए आपने जे छे ए खास काम आव्युं छे। चौथो पेरामीटर्स जे दरेक उमेदवारे भूलवानो नथी थतो, मैं घणा बधा विडियोज जोया छे अने लगभग अत्यार सुधीमां मने 500 करता वधारे तो जे छे ए व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज आव्या सर प्लीज एक विडियो आवो बनावी दो। बिकॉज दोस्तों जे छे ए घणा बधा विडियोज जोवो छो, मारी सामे आखो एक लिस्ट जे छे, तमारी पासे एक आखो लिस्ट छे। फॉर एज एन एक्जाम्पल दोस्तों, तमे जे छे ए ओबीसी केटेगरीमांथी बिलोंग करो छो अने ओबीसी केटेगरी में बिलोंग करो छो, तमे पहेलुं प्रेफरन्स राख्यो छो दोस्तों सब रजिस्ट्रार ग्रेड 1 अने सब रजिस्ट्रार ग्रेड 1। आ फॉर एन एक्जाम्पल है, आवुं एक्जेक्ट नथी। तमे पसंद करो छो सब रजिस्ट्रार ग्रेड 1 अने सब रजिस्ट्रार ग्रेड 1 तमे पसंद करो छो, पहली प्रायोरिटी राखो छो। तमे ओबीसी केटेगरी थी बिलोंग करो छो अने सब रजिस्ट्रार ग्रेड 1 में ओबीसी नी पोस्ट ज न होय तो आगळ जता लोचो पड़े के न पड़े। तो शुं करवानुं छे कि तमारे एक तो प्रेफरन्स जे छे ए तमारे प्रिंट आउट लेवानी छे, तमारा जे छे ए जॉबनी अलग अलग प्रकारनी, अने जोवानुं छे कि आपणी केटेगरीनी पोस्ट आपणी केटेगरीनी वेकेंसी ए बाबतमां छे के नहीं। आज मान लो दोस्तों कि भाई आपने जे एक कचेरी अधीक्षक बनवू है, आप खेती नियामक कचेरी अधीक्षक की जे फर्स्ट प्रायोरिटी आपी, परंतु तमे एससी केटेगरी थी बिलोंग करता हो एमां ए पोस्ट ज न होय तो एनी वेकेंसी जेमां न होय तो आगळ जता जे छे आपणे क्यांक नुकसान थाय छे। अने आया जे छे एक क्लियर कट जे छे गौण सेवाए कीधेलुं छे कि भाई एक वखत प्रेफरन्स सिलेक्ट थई गया बाद आपने ज्यारे जे छे ए फाइनल ऑर्डर आपवामां आवे त्यारे कोई चेन्ज करवामां आवशे नहीं। मतलब बी केरफुल रहू पड़ से। अँ जो थोड़ीक नादानी करी तो डेफिनेटली नुकसान जे थवानी भीति है। ओके, तो 4 पेरामीटर्स थी जे आप अपनी जे प्रेफरन्स आपवानी वात थई छे ए तमे भली भांति समझी शकशो। पहली वस्तु दोस्तों कि जो आपने प्रिपेरेशन करवानी होय तो ग्रुप ए ना प्रेफरन्स जे छे ए बधा तमने बोली जाऊँ छूँ। ओके, शुं काम बोली जाऊँ छूँ अने दरेके दरेक पोस्टनुं पाछुं हूँ क्लेरिफिकेशन बी आपूँ छूँ दोस्तों, है ना। मात्र जे छे हूँ एम बोली नहीं जाऊँ कि 3 नंबर 1 नंबर 5 नंबर 7 नंबर वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं, हूँ तमने दरेकनुं क्लेरिफिकेशन आपूँ। बिकॉज आना माटे सरकार साथेनो जे छे ए तमारो बहोळो अनुभव होवो जोईए, सरकार साथेनी तमारी समझ होवी जोईए। पहली बाबत दोस्तों कि जो आप लोग गांधीनगर में ज रहेवा इच्छता होय अने जे छे ए एक सारी वगवाड़ी पोस्ट धरावता इच्छता होय, ज्यां तमने समय बी मळी रहेशे प्रिपरेशन करवानो, ज्यां जे छे ए आपनुं एक स्टेटस बी जे छे ए बीजानी कम्पेरिजन में बहुत सारूँ मेन्टेन थाय। तो मारा मत मुजब दोस्तों जे छे ए गामे अलग अलग विडियो में गमे ते कीधुं होय पण जो आपने सारू स्टेटस जोईए छे, आपने जे छे ए रिक्रूटमेंट बी सचिवालय में जोईए छे, रिटायरमेंट बी सचिवालय में जोईए छे, तो हूँ बेस्ट बात कहूँ छूँ दोस्तों कि आप लोग जे छे ए अत्यारे ऑफिस आसिस्टंट कि जे 3जा नंबरनुं जे छे ए तमने पोस्ट आपी छे। ग्रुप ए में 1 थी लई अने अलग अलग जे छे ए डिपार्टमेंट आप्या छे, एमां जे छे तमने 3जा नंबरनी बाबत आपी छे ऑफिस आसिस्टंट। तमने एम सर ऑफिस आसिस्टंट अने ग्रुप ए में दोस्तों याद रखो अगाऊनी जे बिन सचिवालय क्लार्क की प्रिपेरेशन करता था ने ए लोकोने क्यारेक पूछजो, अगाऊनी 150 नंबरनी जाहेरात हती, एनी पहेला 82 नंबरनी जाहेरात हती। लोको जे छे ए बिन सचिवालय क्लार्क एटले कलेक्टर कचेरीनी अंदर में अलग अलग क्लार्क अने एना सिवाय सचिवालयना आसिस्टंट जेने ओए कहेवाय, ऑफिस आसिस्टंट कहेवाय, है ना। लोको जे छे ऑफिस आसिस्टंटनी पोस्ट लेवा माटे झझूमता अने आखा गुजरात में दोस्तों 4000 जे छे ए सचिवालय अने बिन सचिवालयनी भर्ती थई होय तो पहेला 200 ज व्यक्ति एवा रहता कि जे ऑफिस आसिस्टंट बनी जता। आप सचिवालय केडर में वया जशो अने एमां बी बायफर्गेशन थाय छे। पहेला तमे 3 नंबरनी पोस्ट पसंद करी लो, पगार तमारो जे छे ए ऑफिस आसिस्टंट क्लर्कनो ज छे, परंतु तमने सचिवालय केडर के जे पॉलिसी मेकिंग करे छे दोस्तों, आखा जे छे ए 33 जिलानो वहीवटी तंत्र सचिवालयनी अंडरमां काम करे छे। आपने पैसानी जो मेटर न करतो होय तो मारू जे छे आपने सजेशन छे जो शीखवू होय, बिकॉज त्यां बैठेला नायब सचिव छे, त्यां बैठेला उप सचिव छे, त्यां बैठेला प्रिंसिपल सेक्रेटरी छे, आनी साथे काम करी शकशो। अने बीजू के तमे त्यां जे छे ए केटला बधा लोको जे छे के अत्यारे डीवायएसओ छे अने डीवायएसओनी साथे साथे जे छे ए बधा सचिवालयमां जे छे ए सेक्शन ऑफिसरनी अथवा तो मामलतदारनी तैयारी करे छे। हाँ, आनी साथे साथे एक बीजी बाबत है कि ऑफिस आसिस्टंट में एक सचिवालय भी है और एक जीपीएसई है। अब जीपीएसई में भाई जे है ए प्रेफरन्स आपी शकशो, पण ए तमारे अत्यार नहीं आपवानो, अत्यार तमारे ऑफिस आसिस्टंट आपवानो छे। पण जीपीएससी में थोड़ा कामनु भारण रहेशे एटले आ खास याद राखजो। ज्यारे आपणे फाइनल सिलेक्शन करवा जाओ, ऑफिस आसिस्टंट तरीके तमारुं सिलेक्शन थई जाय तो सचिवालय अने जीपीएससी लेवानुं थाय तो जीपीएससी में थोड़ा कामनु भारण रहेशे, कारण के जीपीएससी में घणी बधी भरतीओ आवती होय, घणा बधा पेन्डेंसी पड़ी होय। त्यारबाद दोस्तों एक 3 नंबर पहला आव्युं छे ऑफिस आसिस्टंट में। त्यारबाद 1 नंबर नी पोस्ट छे हेड क्लर्क। आ पोस्ट बहुत सारी कहवाशे पण हेड क्लर्क में तमारे जे छे ए पहेला आरटीओ जे छे ए लेवाय, बिकॉज आरटीओ दिवस थी दिवस वाहन व्यवहारनुं जे छे ए विस्तरण थाय छे, दिवस थी दिवस नवी जे छे ए आरटीओ कचेरी बने छे। त्यारबाद जे छे ए तमारे हेड क्लर्क में बहुत सारी पोस्ट आपी छे कमिश्नर जियोलॉजिस्ट, माइनिंग मतलब कि भूस्तर विज्ञान अने खाण खनिजनी कचेरी छे। ए दरमियान हेड क्लर्क आपणे त्यां दोस्तों तमे नाम सांभळ्युं हशे कि भारत देश में जे छे ए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाववामां आवे छे। भारत देश में 100 स्मार्ट सिटी बनावाना है, एमांथी 6 स्मार्ट सिटी जे छे गुजरातना है। तो हेड क्लर्क में तमे नगर नियोजन कचेरी जे छे ल्यो छो तो जे ते जिल्लाना विकास में जे छे ए आयोजन थतुं होय एमां तमारी भागीदारी थई जाय। अने एनाथी विशेष जे छे ए तमारे लेवुं होय तो तमे नशाबंदी लई शको। एटले हेड क्लर्क पहला ऑफिस आसिस्टंट लई लेवाय अने एना पछी जे आपणे लई लेवाय पहला नंबरनी पोस्ट हेड क्लर्क। एमां पण मे तमने जे छे ए अलग अलग बाइफर्केशन कीधुं। त्यारबाद तमने एवुं थाय के जे छे ए अमारे लोको साथे डील करवी छे, अमारे सरकारना नजीकना व्यक्ति रहेवुं छे, तो तमारे ज्यां सरकार पासे रेवन्यू जनरेट थतो होय ने एवी बाबत बहु महत्वनी थाय। सरकार पासे रेवन्यू जनरेट बे रीते थई शके, एक तो दोस्तों स्टेम्प ड्यूटीना माध्यमथी रेवन्यू जनरेट थाय, बीजुं जे छे ए नवा दस्तावेजनी नोंधणी थती होय एमां थाय। तो 7 नंबरनी एक पोस्ट छे सब रजिस्ट्रार ग्रेड 1, 8 नंबरनी एक पोस्ट छे सब रजिस्ट्रार ग्रेड 2। तो आ बे पोस्ट आप पसंद करी सको। और एनी साथे 9 नंबरनी एक पोस्ट है दोस्तों स्टेम्प निरीक्षक। जिला लेवले जे छे दोस्तों कलेक्टर श्री जे छे ये कलेक्टर मेनली काम शू करता हशे तो कि भाई महसूल उघरावानुं काम करता हशे, एटले ज कलेक्टर जे छे ए महसूल विभागना कर्मचारी कहेवाय। आ आप लोग जाणता हशो। कलेक्टर श्रीनी निमणूक जमीन महसूल अधिनियम 1879 अंतर्गत थाय छे। तो जो तमे 7 नंबर सब रजिस्ट्रार के जे तमे दस्तावेजनी नोंधणी करवा जाओ छो तो केटला बधा दस्तावेजो ले थाय। आज कोई मकान ले छे, कोई फ्लेट ले छे, कोई ऑफिस ले छे तो दस्तावेजनी नोंधणी तो करवानी ज छे। अने जो दस्तावेजनी नोंधणी करो छो तो त्यां जे छे ए तमारे शुं करवुं पड़शे दोस्तों तो के स्टेम्प लेवा पड़शे। आ स्टेम्प एटले सरकारनी एक रेवन्यू जनरेट थई, अने जो रेवन्यू जनरेट थता होय आवा डिपार्टमेंटमां आप रहो छो तो डेफिनेटली जे छे आपनुं वजूद रहेवानुं छे। तो पहला 3 नंबर ऑफिस आसिस्टंट, त्यारबाद 1 नंबर हेड क्लर्क, त्यारबाद 7, 8 ने 9 सब रजिस्ट्रार ग्रेड 1, 2 अने स्टेम्प निरीक्षक। तमने एवुं थाय के हूँ जाता ज कचेरी जे जिला लेवलनी होय एनो वडो बनी जाऊँ तो मारुं केटलुं सारूं छे दोस्तों। तो एना माटे हूँ तमने 2 पोस्ट आपूं छुं। एक 5 नंबरनी जे कार्यालय अधीक्षक छे फिशरीज डिपार्टमेंट में, अने 6 नंबर छे एक कचेरी अधीक्षक छे खेती नियामक, तो तमे ए बनी शको छो। ओके, आ बधानो जे छे ए सुपर क्लास 3 लेवलनो पगार धोरण छे, ग्रेड 2 छे। पण एक पोस्ट हूँ तमने आपूं छुं जे तमने तमारा जिल्लामां मळशे दोस्तों, जिल्लामां मळशे अने बहु वगवाळी पोस्ट मळशे। एटले कलेक्टर कचेरीना क्लार्क। कलेक्टर कचेरीना क्लार्क जे छे ए तमे पालनपुर में बनी शकशो, आप जे छे ए गोधरा खाते बनी शको, आप दाहोद खाते बनी शको, आप जे छे अरवली खाते बनी शको, आप जामनगर खाते बनी शको। कलेक्टर कचेरीना क्लार्क बनवाथी तमने बेनिफिट शुं थशे दोस्तों के नजीकना भविष्यमां 7 થી 8 वर्ष में जो तमे कलेक्टर कचेरीना क्लार्क बनो छो तो वधीने 7 થી 8 वर्ष में तमे नायब मामलतदार बनी जाओ छो। मतलब कि तमारो ग्रेड पे जे छे ए 1900 छे अने सीधो ज कूदको लगावीने ए जे छे ए 4200 अथवा तो 4400 रुपया थई जशे, नायब मामलतदार बनी जाओ छो। मतलब पहलुं ज पोस्टिंग। बीजा बधाने केवुं थशे के कोई जूनियर क्लार्क हशे, त्यारथी ए सीनियर क्लार्क बनशे, त्यारथी ए हेड क्लार्क बनशे अने त्यार पछी ऑफिस सुपरिन्टेन्डન્ટ बनशे। अने पेलो कलेक्टर ऑफिसनो क्लार्क जे छे ए जूनियर क्लार्कथी लई कूदको लगावीने सीधो ज शुं बनी जशे, नायब मामलतदार बनी जशे। तो जो आप जेते जिला में पोस्टिंग लेवा इच्छता हो तो डेफिनेटली मारो आपने रिकमेंडेशन है कि 4 नंबरनी पोस्ट कलेक्टर ना क्लार्क बनो। त्यारबाद थोड़ू साइड पोस्टिंग कहवाय। साइड पोस्टिंग एटला माटे कहूं छूं कि ए समाजना कल्याण साथे संबंधित है, एमने जे छे ए रेवन्यू जनरेट नथी थतो, एमने सरकार श्रीनी योजनाओ जे छे ए लोको सुधी पहोंचाडवी। तो जे छे ए 3 पोस्ट है। 12 नंबर है समाज कल्याण निरीक्षक अनुसूचित जाति कल्याण, 10 नंबर है समाज कल्याण निरीक्षक विकसित जाति अने 11 नंबर है मददनीश समाज कल्याण अधिकारी विकसित जाति। आ पोस्टिंग केवा छे दोस्तों समाज कल्याण है, समाजनुं कल्याण माटे छे। आ सरकार ने रेवन्यू जनरेट करीने नथी आपता। मतलब कि तमारी जे छे ए जान पहचान बहुत सारी रीते रहेशे, एमां कोई शंकास्पद नहीं। परंतु तमारे जिल्लाना आखा वहीवटी तंत्र साथे भागीदारी करवी होय तो मैं तमने आगळनी बाबत कीधी। कचेरीना हेड बनवा होय तो मैं तमने आगळनी बाबत कीधी छे। ओके, तो पछी तमे आ पोस्टिंग लई शको, तमने सारी एवी जॉब मळी जशे। आमां हजी हूँ बीजू एड कर दऊँ 16 और 15 नंबर, एना पछी 16 और 15 नंबर अपाय बिकॉज एमां मददनीश समाज कल्याण अधिकारी है, अनुसूचित जाति अने आवी ज रीते आदिजाति है। हवे तमने एम सर आना करता हूँ जिला लेवले ज प्रिपेरेशन ही करी सकूँ और जिला लेवले जे मारूं सारूं वजूद होय तो बधी बीजा नंबरनी पोस्ट है दोस्तों सीनियर क्लर्क। सीनियर क्लर्क में भाई हूँ तमने कहूँ छूँ कि जो तमने एम थाय कि सर सीनियर क्लर्क में मैंने मारा जिला में मळे, ऑफकोर्स मळे, पण सीनियर क्लर्क तमे पसंद करवा जाओ तो मारूं आपने जे एक भलामण रहेशे दोस्तों कि आप रोड एंड बिल्डिंग, मार्ग एंड मकान पसंद कराय। शुं काम? तो कि मार्ग एंड मकाननी अलग अलग सर्कल आवेला होय, है ना। आमां केवुं होय दोस्तों कि सब डिविजन कचेरी होय, पछी डिविजन कचेरी होय छे, है एनी उपर जे छे ए आपणे त्यां सर्कल ऑफिस होय। आवी रीते अलग अलग प्रकारना स्टेप पड़ता होय। तो जे मार्ग एंड मकान होय ने एनी सर्कल ऑफिस होय। सर्कल एटले एक सर्कल आपणे केम बोलीए छीए कि झोन। आवी रीते राजकोट सर्कल होय, आवी रीते बरोड़ा सर्कल होय, आवी रीते जे छे ए अमदावाद सर्कल होय छे। तो जो आ सर्कल लो छो तमे, मानी लो कि राजकोट सर्कल लो छो तो तमने सौराष्ट्र में जे पोस्टिंग मळवानुं छे, जेथी करीने तमे ईजी गोइंग जे छे ए ट्रावलिंग करी शको। कदाच तमारा घरथी कदाच एकाद जिल्लो जे छे ए प्लस माइनस थी होय, आप राजकोटमां रहेता होय, मोरबीमां मळ्યું होय तो आप ईजी गोइंग जे छे ए त्यां ट्रांसपोर्टेशननी फेसिलिटी अवेलेबल छे। अने आमां ज तमने एम थाय सर मारे सीनियर क्लर्क बनवुं छे पण मने जे छे गांधीनगर में पोस्टिंग मळे तो आ थोड़ीक मोड़ी पोस्ट बोलूं छूँ, पण आ पोस्ट बहुत सारी है दोस्तों, जेनो दिवसथी दिवस विकास थाय छे। एने कहेवाय आईसीटी, है ना, आईसीटी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दिवसथी दिवस वेबसाइटनो विकास थाय छे, दिवसथी दिवस डिजिटलाइजेशन थाय छे अने आईसीटीनी पोस्ट गांधीनगर में छे। तो आप सीनियर क्लर्क बनी जशो तो पछी जे छे जते वखते तमने आईसीटी गांधीनगर मळवाना चांस छे। त्यारबाद छेल्ली 4 पोस्ट एवी है लाइक 17 नंबर से दोस्तों डेपो मैनेजर, 13 नंबर से गृहमाता, 14 नंबर से गृहपति और छेल्ली 18 नंबर है जूनियर आसिस्टंट मुद्रण और लेखन सामग्री। छेल्ले हमेशा आ पोस्ट राखजो प्लीज बिकॉज अँ जे केवुं थशे दोस्तों डेपो मैनेजर, है ना, गृहमाता, गृहपति। तमने एम थाय कि हूँ डिपार्टमेंट में आवीने शुं करूँ, पेलुं ना आपणे जे एमसीए थया होय, एमसीए थया होय, पछी पीजीवीसीएल कचेरी में आपणे जॉब करता होय और पीजीवीसीएल कचेरी में जे आपणे मीटर जे एनु रीडिंग लेवा जाए और मीटरनुं रीडिंग लेवा जाए त्यारे ग्राम्य कक्षाए थाय कि कोण आव्यो तो कि बिल बनाववावाळो आव्यो, त्यारे आपणे एम थाय कि शुं आपणे आना माटे भण्या छे, आपणे आना माटे एमसीए कर्युं छे, एमबीए कर्युं, बिल बनाववा आव्यो। यार बहुत खराब हालत थई गई छे। ए व्यक्ति भी सारुं ज काम करे छे, एमां कोई शंकाने स्थान नथी, ए भी एमना पूरा एफोर्ट्स आपे छे एमना डिपार्टमेंट माटे। सरकार जेटलो एमने पगार आपे छे एटला मीटर रीडर जे छे ए सारू काम करे छे, पण अंदरथी जे छे आपणे पेलुं उच्च क्वॉलिटीनी जे छे भणतर राख्युं ने एटले आपणे कोई आवुं व्यक्ति बोलशे ने तो आपणे एम थाय कि यार आ तो यार बिल बनाववावाळो एवो केवुं थाय छे, है। मान लो कि गृह माता छो दोस्तों, गृहपति छो तमे, हूँ तमने आ पोस्ट ने लास्ट में राखवानुं शुं काम कहूं छुं? कोई सरकारश्रीनी होस्टेल छे एम आप गृह माता छो, एम आप गृह जे छे ए पति छो। काल सवारे होस्टेल में दोस्तों जे छे ए जमवा बाबत में कोई ईयर निकली, जमवा बाबतनो कोई प्रश्न हतो तो जे पॉलिटिकल व्यक्ति आवीने तमारा त्यां जे छे हल्लाबोल करशे, स्ट्राइक करशे, आवुं थशे। तो आ वस्तुने तमारे फेस करवी पड़शे, नो डाउट एमां कई गलत बाबत नथी, एने तमे फेस करी ज शकशो, पण त्यारे 2-5 मिनिट 2-5 कलाक के 2-5 दिवस माटे जे छे ए डेफिनेटली तमने थोड़ोक चिंतानो विषय रहेशे। एटले आ कहूं छुं, आ तमने आव कोई नहीं कीधुं। आपणे विडियो जोवा होय तो आप गमे एटला विडियो जोई लेशो, पण आ वस्तु करशो ने तो आमां तमने आ प्रश्न मतलब हल्लाबोल थशे, पॉलिटिकल व्यक्तिओ आवशे, तमारा उपरी अधिकारी जे छे ए तमारी पासेथी रिपोर्ट मांगशे कि भाई केम आव थयुं छे, केम जमवामां ईयर निकळे छे, केम पौष्टिक आहार नथी मळतो, है ना। आ एक जवाबदारी वाली वस्तु आ जैसे आज बट ऑबियस है दोस्तों। आज आप समरस जे होस्टेल में फरज बजावता हो समाज कल्याण निरीक्षक तरीके अथवा गृहमाता तरीके, गृहपति तरीके, तो आ प्रश्न सामान्य रहेवानो छे, एटले आ पोस्टिंग ने मारा मत मुजब छेली राखाय जेथी करीने आगळ जता आपने कोई टेन्शन ना आवे। फरी एक वखत ग्रुप ए बाबतना प्रेफरन्स आपी दो। 3 नंबर छे दोस्तों ऑफिस आसिस्टंट, त्यारबाद 1 नंबर हेड क्लर्क, 7 सब रजिस्ट्रार ग्रेड 1, 8 सब रजिस्ट्रार ग्रेड 2, 9 स्टेम्प निरीक्षक, 5 कार्यालय अधीक्षक, 6 कचेरी अधीक्षक, 4 नंबर आपेला है कलेक्टर क्लर्क, 12 नंबर समाज कल्याण निरीक्षक, 10 पण आउट है, 11 मददनीश समाज कल्याण जे अधिकारी, 16 मददनीश समाज कल्याण अधिकारी अनुसूचित जाति, 15मां भी आज है, त्यारबाद 2 सीनियर क्लार्क, त्यारबाद 17 नंबर है डेपो मैनेजर है, त्यारबाद जे छे गृहमाता गृहपति अने जूनियर आसिस्टंट, मुद्रण और लेखन सामग्री। ओके, आ बात थी थी दोस्तों आपणे जे छे एक ग्रुप ए नी। त्यारबाद जे छे ए हूँ तमने कहूँ छूं ग्रुप बी। चलो हवे आपने थोड़ी आइडियोलॉजी क्रिएट थई गई हशे, स्पेशियली जे भाई बहन ग्रुप ए नी परीक्षा आपवा जाय छे ए। ओके, तमने दोस्तों जे छे ए गांधीनगर में ज पोस्टिंग जोतुं होय अने तमे जे छे ए कॉमर्स ग्रेज्युएट होय, स्पेशियली पहला हूँ बात करूँ छूं कॉमर्स ग्रेज्युएट माटे याद राखजो। तो पछी दोस्तों गांधीनगर में जे छे ए तमने जे एक थी अलग अलग जे छे 37 नंबरनी जे छे ए जोगवाई करेली छे, एमां 14 नंबर छे हिसाब अने तिजोरी नियामक कचेरी। आपणे त्यां नाणा विभाग होय दोस्तों, ए नाणा विभाग में 2 अलग अलग पार्ट पड़ता होय, एक जे छे ए पेन्शन अने तिजोरी कचेरी होय छे अने बीजू होय छे जेने कहेवाय लोकल फंड ऑफिस। पेन्शन अने तिजोरी शुं करे के कलेक्टर श्री जेटलो खर्च करे छे ए बधो पेन्शन तिजोरीना माध्यमथी थाय, अने बीजो एक छे लोकल फंड ऑफिस स्थानिक भंडोळनी कचेरी, जे तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, नगरपालिका है, महानगरपालिका आमना हिसाबों तपास करता होय छे। तमे पेलुं नाम सांभळ्युं सब अकाउंट सब ऑडिटर ए बधा त्यां हशे। तो जो हिसाब तिजोरी कचेरी जो आपने आ जाए, आप कॉमर्स ग्रेज्युएट हो तो बीजी एक पसंद कर सकसो दोस्तों अर्थशास्त्र और आंकड़ाशास्त्र की कचेरी। काम भी ओछू रहेशे, चौकसाईवाळू काम रहेशे अने प्रिपेरेशन कर सकसो। स्पेशियली आपणे बात थई छे ग्रुप बी जुनियर क्लार्क बधा छे एनी बात करूँ छूँ। ओके, तो बंने पोस्ट गांधीनगर में है अने कॉमर्स ग्रेज्युएट माटे आ बंने पोस्ट सारी है। 14 नंबर है हिसाब तिजोरी नियामक, 28 नंबर है जे नियामक अर्थशास्त्र आंकड़ाशास्त्री। एक बीजो है दोस्तों नोंधणीसर निरीक्षक की कचेरी, नोंधणी निरीक्षक की कचेरी 19 नंबर है। और तमने एम थाय सर मारे पोस्टिंग लेवू छे पण मने राजकोट में मळी जाए तो पछी जे छे ए 35 अने 36 नंबर है सिंचाई योजना, एनु सर्कल अमदावाद अने राजकोट। जो आप अमदावाद आसपासना व्यक्ति होय, ए विस्तार में रहता होय तो आप ए पसंद करो, अने आप राजकोट सौराष्ट्र में ज पोस्टिंग जोतुं होय तो सिंचाई योजना वर्तुळ राजकोट में जे छे ए पोस्टिंग लेजो। अने एमांय जे लोको साइंस ग्रेज्युएट छे, साइंस थी बिलोंग करता होय एमणे 35, 36 अने एक 5 नंबरनी जे छे ए पोस्ट है मुख्य विद्युत निरीक्षक कचेरी गांधीनगर। आ 3 जे छे ए जो आप साइंस ग्रेज्युएट होय तो डेफिनेटली लेजो। हूँ तमने एटले कहूँ छूं, तमने एम सर हजी सुधी अमने आवो तो कोई भेद समझायो ज नहीं, पण दोस्तों आज कॉमर्स ग्रेज्युएट है जे कॉमर्स में भण्या है एवं ज डिपार्टमेंट में आवीने काम करवानुं छे। तो तमने पैसा जे छे ए मळवाना ज छे, पगार सारो सरकार श्री आपवानी ज छे, पण तमने जे जॉब सेटिस्फेक्शन मळशे त्यां मळशे। आप मानी लो कि साइंस ग्रेज्युएट है, तमने दोस्तों जे आवे ते उधार जाए ते जमा आवुं कंई खबर पड़ती ज नथी अने सीधुं तमने हिसाब करवा बेसाड़ी देशे। शुं करशो तमे? आंकड़ाशास्त्री ने आंकड़ाओ लखावा बेसाड़ी देशे। तो थोड़ुंक जे छे ए मगजमां कन्फ्यूजन पॉइंट ऊभो थाय। तो आवा समये तमारे शुं करवानुं छे? कॉमर्स ग्रेज्युएट होय तो 14, 28 ने 19 अने साइंस ग्रेज्युएट होय दोस्तों तो 35, 36 अने 5। एक बीजी बाबत आपूं छूं, थोड़ुंक कामनुं भारण जे छे ए क्यारेक वधारे रहेशे क्यारेक ओछुं रहेशे, परंतु गांधीनगर बेस पोस्ट है दोस्तों 15 नंबर है गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी मंडल। जे मैं तमने अगाऊ बात करी है ऑफिस आसिस्टंट, एमां एक जीपीएससी भी होय, एवी रीते जुनियर क्लार्क है जीपीएसएसबी पंचायत सेवा पसंदगी मंडल कचेरी है गांधीनगर, ए आप लई शको छो। गांधीनगर में ज लेवू होय पोस्टिंग तो हूँ तमने बीजी 2 पोस्ट आपू छूँ, एक 16 नंबर अने 29 नंबर। 16 नंबर में आरटीओ इंस्पेक्टर की कचेरी है और 29 नंबर में आईसीटी है ई गवर्नर्स की बात करे। ई गवर्नर्स में दोस्तों ये काम थोड़ू प्लस माइनस रहेशे, पण त्यां तमे डायरेक्ट जे है जिला शासन अधिकारी साथे टच में रहेशो, मतलब तमारे शीखवानुं जे छे घणुं थशे, कोईपण सरकारश्रीनी माहिती तमारे अपलोड करवानी थशे। तो एक आ बाबत याद राखजो। त्यारबाद गांधीनगर में जावी एक पोस्ट जोती होय तो हूँ तमने 33 नंबर आपूं छूं नशाबंदी अने आबकारी। आप डेफिनेटली दोस्तों जुनियर क्लार्क नशाबंदी आबकारी बनी जाओ, हूँ तमने गेरंटी साथे कहूँ छूँ कि आप प्रिपेरेशन करी शकशो, तमारी पासे समय रहेशे। गांधीनगर बेस कचेरी है। एना पछी जे छे ए जो जिला लेवले आप पोस्टिंग जोतुं होय तो पछी 20 नंबर है दोस्तों सेटलमेंट कमिश्नर जमीन दफ्तर नियामक कचेरी। तमारी पासे जो कोईपण प्रकारनी जमीन हशे तो तमारा फादर घणीवार घरे बोलता हशे कि भाई सर्वे करवावाळा आव्या छे, जमीन मापणी करवावाळा आव्या छे। जिला लेवले एक पोस्ट होय छे दोस्तों DILR, जेने कहेवामां आवे डिस्ट्रिक्ट इंस्टिट्यूट ऑफ लैंड रेकर्ड। DILR। आ DILR जे क्लास 2 होय छे। आमनी भर्ती जीपीएससी द्वारा थाय छे। तो जमीननी मापणी संदर्भना जे काम करता होय कोण करे छे? DILR करे छे। तो आ पोस्टिंग जे छे ई आप लई शको, जिला लेवल आपने मळशे। त्यारबाद जे छे दोस्तों, जो आप अहमदाबादना छे, अहमदाबादमां पोस्टिंग लेवुं छे तो पहेला 6 नंबर अपाय चीफ इंस्पेक्टर कोर्ट फीसनी कचेरी छे अहमदाबाद खाते। त्यारबाद जे छे ए 8 नंबर छे सरकारी वकीलश्रीनी कचेरी छे अहमदाबाद। जो आप LLB करेला होय अने तमारे जे छे लो बाबतमां बहु बधी रुचि धरावता होय तो आप। त्यारबाद 9 नंबर रजिस्ट्रार सहकारी मंडळी, 11 नंबर जे छे मत्स्य उद्योग नियामक कचेरी, 21 नंबर जे छे ए माहिती नियामक, 24 छे ग्रंथालय। हाँ, ग्रंथालय नियामकमां पण तमारी पासे तैयारी करवानो खासो समय रहेशे। त्यारबाद 22 नंबर अभिलेखा नियामक श्री, एना बाद नागरिक पुरवठानी कचेरी छे। 10 नंबर पशुपालन नियामक, 3 नंबर कुटीर कचेरी, 4 नंबर सरकारी मुद्रण है। हाँ, एक बीजी बाबत आपूँ छूँ, आमाने जोवा जाए तो वच्चेनी साइड राखवी। शुं काम? 37 नंबर से दोस्तों गांधीनगर महानगरपालिका GMC मैंने वच्चे एटला माटे राख्युं छे कारण के दोस्तों आपणे त्यां गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आम जोवा जाए तो निगम होय, बोर्ड होय, आमां केवुं थतुं होय के सरकारश्रीना पगार भत्थाओमां वधारो थाय, मोंघवारी भत्थामां वधारो थाय तो सामान्य रीते जे छे ए थोड़ो समय लेता होय। न मळे एवुं नथी कहेता पण थोड़ा समय पछी तमने पगार भत्थानो लाभ मळतो होय तो आ लई लो तो एमां कंई गलत नथी। त्यारबाद जे छे ए 2-3 साइडनी एक हूँ तमने अहींया आपी दऊं छुं दोस्तों। 31 नंबर छे राज्य अग्नि निवारक सेवानी कचेरी, फायर ब्रिगेड। आने लास्ट राखजो 31मो कारण के तमने खबर छे के गुजरातमां होना फायर ब्रिगेडना कर्मचारी उपर बहु बधी जे छे ए चिंताना जे छे आग फाटी नीकळे एटले अमुक मुनाओ सीधा 31 नंबर जे छे राज्य अग्नि निवारण कचेरी एटले जिंदगीमां आग लागी जशे, आग है ने। आ ना थाय एने खास ध्यान राखजो दोस्तों। ओके, सो प्रेफरन्स आपने बोली जाऊं छूं। 14 छे, 28, 19, 35, 36, 5, 15, त्यारबाद जे छे ए 2, 16, 29, 33, 20, 6, 8, 9, 11, 21, 24, 22, 1, 10, 3, 4, त्यारबाद 37, त्यारबाद 7, 17, 18, 31 ने 25। आ रीते आप जे छे प्रेफरन्स आपो तो डेफिनेटली दोस्तों जे छे आगळ जता तमने कोई टेन्शन नहीं रहे। पछी भलामणनो दौर चालू थाय अने आपणी भलामण कोई कारगर ना नीवड़े एना करता बेटर है कि बे वखत विचारी समझी अने त्यारबाद जे छे आपणे फिलअप करवुं जोईए। ओके, आप लोग मेन्स की प्रिपेरेशन करता हो तो कनेट गाइडेंस जे छे ए एप्लिकेशन पर आप त्यां मेन्स की बेंच पर मूकेली ज छे दोस्तों। आप ए बेंच लई सको जेमां तमने मेन्स राइटिंग प्लस MCQ बने जे छे सोल्व कराववामां आवे छे। फेकल्टीना नाम जे छे ए आपनी स्क्रीन पर छे, फेकल्टीनो फोटो जे छे। आप डेमो लेक्चर भी जोई शको छो। तमने सौथी वधारे कनेट गाइडेंस की एप्लिकेशन लेवामां फायदो ए थशे के डिपार्टमेंट में आव्या पहेला ज 50% तमने ट्रेनिंग आपी दईए छीए कि आप काम केवी रीते करवानुं छे। आ विडियोना माध्यमथी आपने खबर पड़ी गई हशे। छतां बी विशेष कोईपण प्रकारनी जे छे ई कन्फ्यूजन पॉइंट जणाय तो मारो नंबर आप मेन्शन करी शको छो आपनी पासे 7226926024। एक मने व्हाट्सएप में जे छे हाई नो मैसेज करी देजो, तमारा नंबर सेव करी लईश एटले जेथी करीने आवो कोईपण विडियो जे छे ए मूकूं तो आपने जे छे ए समयसर मळी जाय। ठीक है, आप बधा ज लोको दोस्तों मुख्य परीक्षा में सारी रीते अपीयर थाओ अने पास थाओ एवी शुभेच्छा साथे विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, आवजो।